आरा में आरके सिंह या पवन सिंह? पवन सिंह। क्यों पवन सिंह? अगर चुनाव लड़ूंगा तो आरा ही विधानसभा जी, अगर यदि आरा से नहीं लड़ूंगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं देने वाले पवन सिंह को वोट नहीं देने वाले मतलब भाजपा को वोट नहीं। पवन सिंह का कारण राज चलाएंगे, ठीक राज नहीं चला पाएंगे। लेकिन जो काम किया है उसको यहाँ पर टिकट ना देना, ये बहुत बड़ी बेवकूफियों की भारतीय जनता पार्टी के लोग। अच्छा चलिए, तो पवन सिंह काफी जोर लगाए हुए हैं और उनका दावा ठोक रहे हैं कि आरा से इस बार किसी भी हाल में हमको चुनाव लड़ना है। काफी न्यूज में भी चल रहा है कि आरके सिंह जी को यहां से टिकट काट के मोतिहारी भेजा जा रहा है और पवन सिंह यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या कहेंगे इस पे? अभी अभी जो पवन सिंह की बात करते हैं जी, पवन सिंह अभी उनके सामने लड़का है, तो अगर पवन सिंह को चुनाव लड़ना है तो एमएलए चुनाव लड़े जी। तो कहने का मतलब है कि आरा में सिर्फ आरके सिंह ही चाहिए, आरके सिंह चाहिए, आरके सिंह के अलावा कोई नहीं, कोई नहीं चाहिए। चलिए, तो ये है आम जनता का राय यहाँ पर। अगर पवन सिंह को टिकट दिया जाता है तो आपको मतलब मंजूर है पवन सिंह यहाँ पे? नहीं, पवन सिंह मंजूर नहीं है, नहीं। मतलब आरके सिंह ही चाहिए। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे भैया, पवन सिंह या आरके सिंह आरा में? आरके सिंह ही ठीक रहेंगे। पवन सिंह को अगर टिकट दिया जाता है तो वोट देंगे कि नहीं देंगे? हम तो भैया पवन सिंह का जात है, राजपूत है। अच्छा, नहीं राजपूत का बात नहीं है, मतलब जात पात कम नहीं लेते, लेकिन आरके सिंह इनका मतलब जो है ना, आरके सिंह ठीक राज चलाते हैं, और पवन सिंह का कार है वो ठीक थोड़े ना राज चलाएंगे, ठीक राज नहीं चला पाएंगे। अब उनको गाना बजाना किए हैं। चलिए अच्छा जान रहे हैं। चलिए, तो जो आरा में आरके सिंह या पवन सिंह? पवन सिंह। पवन सिंह, क्यों पवन सिंह? मतलब क्या लगता है कि पवन सिंह आरा को संभाल पाएंगे? जो कार्य यहाँ पे आरके सिंह जी कर दिए हैं पिछले 10 वर्षों में, पवन सिंह को कर पाएंगे? नया जनरेशन करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि मतलब कर देंगे, करेंगे। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे भैया, क्या लगता है कि आरके सिंह या पवन सिंह? आरके सिंह। पवन सिंह जहाँ पर है, पवन सिंह जिस कैटेगरी के हैं जी, और पवन सिंह जो लाइन में है अभी, हाँ, हाँ, वो अभी उसी लाइन में रहना चाहिए, उसी लाइन में रहना चाहिए। लेकिन पवन सिंह का कहना है कि एक बार हमको भी मौका दिया जाए। आरके सिंह का टक्कर आरा में अभी वो नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते। आरके सिंह ने अभी आरा में जो विकास योजनाओं का शिलान्यास किया है उतना वो कर नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। आरके सिंह को यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा जी, तो हम तो टिकट पवन सिंह को वोट नहीं देने वाले। काम किया है उसको यहाँ पर टिकट ना देना, ये बहुत बड़ी बेवकूफियों की भारतीय जनता पार्टी के लोग। अच्छा चलिए, ये बहुत बड़ा बात है। अगर चुनाव लड़ूंगा तो आरा ही विधानसभा जी, अगर यदि आरा से नहीं लड़ूंगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, सीध कर दिए चुनाव हर हालत में आरा से ही लड़ूंगा। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि आरा में जैसा कि लास्ट पिछले 10 दिनों से यही माहौल है कि युवा हो बुजुर्ग हो, हर कोई जो है आरके सिंह को खुलेआम सपोर्ट कर रहा है, तमाम लोग मौजूद हैं और सभी के जवाब एक ही बात है कि अगर आरा से कोई जीतेगा, आरा से कोई 2024 में सांसद होगा तो वो आरके सिंह होंगे। और पवन सिंह को आरा की जनता जो है देख सकते हैं कि खुलेआम यहाँ पर नकार रही है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए तो यहाँ पर अभी मौजूद है आरा के बाबू वीरकुंवर सिंह स्टेडियम में, और यहाँ पर जो है तकरीबन 3 बजे आरा के विकास पुरुष सांसद आरके सिंह जी आने वाले हैं और तमाम लोग धीरे धीरे लोगों का जुटान यहाँ पर शुरू हो चुका है और देख सकते हैं यहाँ पर मंच वगैरह सज के तैयार है, लोगों का आना भी स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा।